अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं कलड्रा एक्सामिनर की ट्रेनिंग सीरीज। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने ड्रॉप शैडो टूल और कंट्रोल टूल डिस्कस किए और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का व्यूअर्स क्या मकसद है? ब्लेंड टूल से व्यूअर्स हम और एक ऑब्जेक्ट और दूसरे दो ऑब्जेक्ट्स यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और आपस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट और ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं जी कैसे ऐड करते हैं और ऐड होने के बाद हमारा क्या रिज़ल्ट निकलता है और हम कैसे वो करते हैं। तो हम पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे जैसे हम कनेक्टर टूल से। तो उसके बाद हम इनको कलर देना चाह रहे हैं, हम इनको जब कलर देंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो एक बहुत ही ज़बरदस्त, या हम इसको कह सकते हैं जैसा हम यानी कि इसको हम अपनी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, और यहाँ पर अगर हम इसके आगे मज़ीद जो कनेक्ट करना चाहें ऑब्जेक्ट तो उसके साथ भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ से क्रिएट किया और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया और उसके बाद इसी को हम उसके साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे जो वो तीनों ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। किस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर रखना है वो यहाँ से ऊपर रख सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट को हमने नीचे रखना है हम उसको नीचे रख सकते हैं। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बल्कि बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, जैसा आप प्रीसेट अप्लाई करेंगे वैसा प्रीसेट जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्रीसेट, यहाँ पर जैसा आप चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पैड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है, फिर हो जाएगा। तो इस तरह हम यानी कि हम कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टूल है। वैसे तो मैं सबके साथ ये यही कहता हूँ कि ये भी बहुत ज़बरदस्त टूल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो एक्चुअली हम हर टूल के साथ बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारा वो उसको ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे टूल ही ज़बरदस्त टूल्स हैं, कोई भी मतलब टूल ये नहीं हम कह सकते कि ये टूल नहीं से ये फालतू टूल है। कुछ एक या दो हैं जो बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम एक और भी चीज़ ब्लेंड टूल के साथ, उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक, उसके बाद यहाँ से हम इनको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किया और यहाँ से हमने कलर फिल किए। जब कलर फिल करने के बाद व्यूअर्स आप जब देख रहे हैं सेंटर में ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको आप बिल्कुल अलग-अलग भी जो है वो कर सकते हैं। आप इनको ब्रेक पार्ट करके आप इनको कर सकते हैं। ब्रेक पार्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस के प्रेस करते हैं तो ये हमारे ब्रेक पार्ट हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इनको इनका जो वैल्यू या इनकी तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ऊपर जहाँ पर 20 लिखा हो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी आप तादाद बढ़ाना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम 100 कर देते हैं तो यहाँ से हमारी तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो इस ऐसे हम काफ़ी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, बहुत सही जो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह हम बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन पर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक लाइन क्रिएट की, कंट्रोल प्लस सी और फिर वी किया और यहाँ पर क्लिक करके इनके जो है इनको आपस में यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से इनका लाइंस का कलर चेंज किया और इसका हम यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ से इसका हम रेड कर देंगे। तो और इनकी जो इनमें सेंटर में हम यानी कि यहाँ पर हम 50 कर देते हैं और यहाँ से इसको हम रोटेट करें थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप काफ़ी जो है करीब आप देख सकते हैं स्केच टाइप या एक 3D टाइप वो बन गया है। आपने अक्सर ग्राफिक जो या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या ड्राइंग्स में देखा होगा, ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे। तो आप जैसी लाइन क्रिएट करके बनाना चाहें यहाँ से आप बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो यहाँ से इसका बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहें यहाँ से आप लाइन का कर सकते हैं तो वो भी साथ में अप्लाई हो जाएगा। तो खैर हम इनको सिलेक्ट करते हैं फिर
और यहाँ से हम अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल मीन डिस्टॉर्शन पैदा करना, खराबी पैदा करना, इसका मतलब तो ये बनता है। लेकिन हम इसको खराबी के नहीं, हम अपना इसको क्रिएटिव, इसके लिए हम इससे हम बहुत सी काम की चीज़ें बना सकते हैं और हम बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं या क्या क्या बनाते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टूल सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो जो फर्स्ट टूल है यहाँ पर, इसकी शेप आप देख सकते हैं एक फ्लावर की तरह है। तो यहाँ इससे हम इसी ऐसी टाइप की चीज़ें ही बना सकते हैं। तो जब हम इसको क्लिक करके ऑब्जेक्ट पर राइट साइड पर किसी भी डाउन या राइट साइड पर लेके जाएंगे, तो आप ये आउटसाइड पर जो है वो डिस्टॉर्शन पैदा करेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी या वेव्स जो आउटसाइड पर वो लेके जाएगा, जितनी आप करेंगे वो यहाँ पर जाती जाएंगी। और अगर इसको लेफ्ट साइड पर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो इनसाइड, ऑब्जेक्ट के इनसाइड पर वो लेके जाना शुरू हो जाएगा। तो और भी इस तरह आप और भी जो है वो इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह आप बहुत सारी इससे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड टूल है, इसके इसके ज़रिए से हम फ्रीक्वेंसी जो ऐड कर सकते हैं, यानी कि जैसा कि हम म्यूज़िक का अपने वेव्स देखी होंगी वो उस तरह उस टाइप का हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो फर्स्ट ये टूल है इसकी फ्रीक्वेंसी की हाइट कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं, और कितनी फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए तो वो यहाँ से हम ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जस्ट सिंपल यहाँ से ऐड करते हैं, तो 5 फ्रीक्वेंसीज ऐड हो गई हैं और 61 जो है इसकी हाइट हो गई है। यहाँ से हम ऐड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 60, और यहाँ से हम इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, यहाँ से हम हाइट कम कर दी। और उसके बाद यहाँ से ये जो 3 मुख्तलिफ़ टूल है ये भी मुख्तलिफ़ काम करते हैं, ये मुख्तलिफ़ वेव्स जो है यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम देखा, हमने जैसे टूल सेलेक्ट किया, चेंज किया, तो यहाँ से मुख्तलिफ़ जो है उसमें चेंजिंग्स आ गई हैं, चेंजिंग्स मुख्तलिफ़ आ गई, तो हम इनको तीनों को डिसेबल करते हैं और पुरानी शक्ल में आ जाते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल का क्या काम है व्यूअर्स, जस्ट हम इसको रोटेट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। जैसे हम अपनी ऑयल पेंट, जैसे आपने देखा होगा ऑयल पेंट को रोटेट करते हैं, तो इस तरह ऑब्जेक्ट भी रोटेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि मिक्स होना शुरू हो जाता है कह सकते हैं। तो रोटेट यहाँ से हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये ट्विस्टर, इसको ट्विस्टर बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस तरह घुमाकर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इस पर कलर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से इसको हम घुमाते हैं और यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैंने रोटेट किया खुद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट वो क्रिएट हो गया है, जैसा आप बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरह हम इसके ज़रिए से बहुत सारी, मतलब यानी कि हर टूल से हम बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं जब हम ज़रूरत होती है। तो फिलहाल तो हम सिर्फ यही थोड़ा सा इनको चेक कर रहे हैं कि हम इनके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट हम इनके साथ चीज़ें भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, इन्वेलप टूल। व्यूअर्स इन्वेलप टूल क्या काम करता है देखते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लिया, तो हम शेप टूल को जब हम सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस क्यू करते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं नोड को, फिर इनको करते हैं अप्लाई वो, और फिर इसको इस तरह मूव करके अपनी मर्ज़ी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ से ऐड करते हैं मज़ीद नोड वगैरह जो हम करते हैं। तो इन्वेलप टूल का तकरीबन इसके सिमिलर ही काम है, तो हम वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी चारों साइड पर तीन तीन जो है वो नोड्स, या एक सेंटर में नोड्स और चार साइड पर नोड्स जो है ऐड हो गई हैं। तो अब इनको हम जस्ट ड्रैग करते हैं, वो हमारी ड्रैग होती जाएंगी, और जैसा हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहें अब बना सकते हैं। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी किया और यहाँ से अप्लाई किया, और इस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन और भी अवेलेबल है, तो यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं, तो जरिए से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर या फ्री हैंड, तो यहाँ पर आप फ्री हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, दूसरे चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम शेप टूल से सारे ये काम ले लेते हैं, और शेप टूल को हम इस्तेमाल करके ये सारे काम ले लेते हैं, तो इसके भी मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इतना ख़ास टूल मैं नहीं समझता, है तो ठीक है लेकिन मतलब ठीक ही है। तो हम चलते हैं जी एक्सट्रूड टूल की तरफ। एक्सट्रूड टूल का क्या काम है, एक्सट्रूड टूल के ज़रिए से व्यूअर्स हम 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। 3D एक्चुअली 3D नहीं, लेकिन एक 3D जो शक्ल है हमें वो नज़र ऐसे आएगा जैसे ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कलर देते हैं, और यहाँ से एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल करके इसको हम जस्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं। उससे पहले, उसके अलावा यहाँ से जब हम, यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं,
यहाँ से जैसा आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट ये आप दे सकते हैं, इस तरह आप वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनके जो शेडो बैक साइड है वो चेंज करना चाह रहे हैं, कंट्रोल प्लस के करेंगे और यहाँ से हम इनको वो चेंज कर सकते हैं कलर इनका। फिर कंट्रोल प्लस के करेंगे, कंट्रोल प्लस यू करेंगे, हमारे वो तीनों ऑब्जेक्ट वो अलहदा हो गए। तो अगर हम दोबारा खुद से बनाते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक्सट्रूड टूल जस्ट ड्रैग करना है, यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ से आप जब इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से वो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह आप इसकी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से कंट्रोल प्लस के करेंगे, कंट्रोल प्लस इसको सिलेक्ट करके हम इसको हम सिलेक्ट करके इसका कलर वो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो इसका साइड बार है उसका कलर और करना चाह रहे हैं, बॉटम का और करना चाह रहे हैं, तो जस्ट हम कंट्रोल प्लस यू करेंगे और नीचे वाली साइड का कलर वो चेंज कर देंगे। तो इस तरह हम वो 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल ए प्लस करके हमने डिलीट कर दिया सबको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट टूल है जी ट्रांसपेरेंसी टूल और फिर कलर आई ड्रॉपर, और फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरेक्टिव फील वगैरह जो हैं आगे टूल्स हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल हैं। तो अगली वीडियो में हम ये अगर दो दो टूल्स डिस्कस करेंगे, और तो हम अगले इंशाल्लाह एक दो वीडियोस में हम अगले सारे टूल कंप्लीट करके उसके बाद हम यहाँ से मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो हैं मज़ीद टूल्स इसके वो यूज करेंगे और ड्राइंग्स भी बनाएंगे। ड्राइंग्स बनाते वक्त हम इनको इस्तेमाल करेंगे, और भी काफ़ी बातें हैं जो अभी रह गई हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे हम अगली वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।